नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक्निकल में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 3 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं। तो दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कनेक्शन आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के आधार पर बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन होता है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 3 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच, जिसका हमने डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। तो दोस्तों अब आप वीडियो करते हैं शुरू और आपको बताते हैं कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये वाला 5 पिन सॉकेट, ये स्विच, ये 5 पिन सॉकेट, ये स्विच, और ये 5 पिन सॉकेट और ये स्विच। सबसे पहले हम स्विच का एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो एक वायर स्विच का इसमें से इसमें, और एक वायर स्विच का इसमें से इसमें। तो दोस्तों इसी तरीके से हम 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं। तो दोस्तों एक वायर तो इसमें से इस वाले पॉइंट में, और एक वायर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में। तो दोस्तों हमने 5 पिन सॉकेट का और स्विच का कनेक्शन कर दिया। अब एक स्विच का एक 5 पिन सॉकेट के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब दो पॉइंट बच रहे हैं, एक तो स्विच का पॉइंट बच रहा है हमारे सामने और एक 5 पिन सॉकेट का पॉइंट हमारे सामने बच रहा है। तो दोस्तों उन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों एक 5 पिन सॉकेट का एक स्विच के साथ कनेक्शन, इस वाले 5 पिन सॉकेट का इस वाले स्विच के साथ कनेक्शन, और इस वाले 5 पिन सॉकेट का इस वाले स्विच से कनेक्शन कर देते हैं। अब दोस्तों क्या हमारे द्वारा बनाया गया कनेक्शन सही है या नहीं, इसके लिए हम दो वायर निकालेंगे। एक तार तो अर्थ का हो जाएगा और एक तार फेस का हो जाएगा। तो हम फेस वाला तार तो स्विच में से निकालते हैं और 5 पिन सॉकेट में से अर्थ का तार निकालते हैं। दोस्तों इस वाले स्विच से हम फेज का तार निकालते हैं और 5 पिन सॉकेट के तार पॉइंट से हम अर्थ का तार निकालते हैं, जिसे न्यूट्रल बोलते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों वायर निकाले, अब दोनों को हम अच्छी तरीके से हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं बोर्ड के माध्यम से, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। दोस्तों स्क्रीन पर आपको बोर्ड दिख रहा होगा, सेम इसी डायग्राम के आधार पर हमने आपको समझाया है। दोस्तों अब हम आपको कनेक्शन करके बताते हैं कि 3 5 पिन सॉकेट 3 स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों डायग्राम के हिसाब से तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन जिस चीज को भी समझ में नहीं आया उसको हम अच्छे से कनेक्शन करके हम आपको बता देते हैं कि कनेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों आपको दिख रहे होंगे 3 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्विच का एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं। दोस्तों इस वाले स्विच का इस वाले स्विच के साथ कनेक्शन, अब इस वाले स्विच का इस वाले स्विच के पॉइंट के साथ कनेक्शन करते हैं। अब दोस्तों 5 पिन सॉकेट का
कनेक्शन हम एक दूसरे के साथ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला तार तो हमारा फेज का तार हो गया, और अब जो हम जिस वायर से 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे तो दोस्तों वो अर्थिंग का तार हो जाएगा। तो दोस्तों इस वाले 5 पिन सॉकेट के साथ कनेक्शन करते हैं दोस्तों। और इस वाले 5 पिन सॉकेट के साथ कनेक्शन करते हैं। अब देखो दोस्तों हमने 5 पिन सॉकेट का और स्विच का कनेक्शन कर दिया दोस्तों। अब 5 पिन सॉकेट का स्विच के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो अंत तक देखें ताकि कनेक्शन आसानी से आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों इस वाले स्विच का इस वाले 5 पिन सॉकेट के साथ कनेक्शन करेंगे, क्योंकि जब सभी स्विच ऑन होगा तो फेस का तार चालू हो जाएगा, और जैसे स्विच ऑफ होगा तो फेस आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस वाले 5 पिन सॉकेट का हम इस वाले स्विच के साथ कनेक्शन करते हैं दोस्तों। अब ऐसे ही दोस्तों दूसरे 5 पिन सॉकेट के स्विच के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं तो ये भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों, कनेक्शन करने में आपको ऐसी आसानी हो जाएगी कि आप कभी भी कनेक्शन करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये वाला कनेक्शन चाहिए, तो वो भी हम आपके सामने वीडियो उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन 5 पिन सॉकेट के साथ कर दिया, स्विच का कनेक्शन स्विच के साथ हमने कर दिया दोस्तों। और 5 पिन सॉकेट का स्विच के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि लाइट का तार कहाँ लगेगा, मतलब अर्थ का तार कहाँ लगेगा और फेस का तार कहाँ लगेगा, तो ये भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें 2 वायर लेने पड़ेंगे, जिसमें एक में तो स्विच का कनेक्शन होगा अर्थ का और एक में होगा फेस का कनेक्शन। दोस्तों कभी भी आप किसी भी बोर्ड का या किसी भी वाइंडिंग का कनेक्शन करो तो कॉपर का वायर आपको जरूर लेना चाहिए, जिससे क्या है कि कनेक्शन करना भी आसान हो जाता है और दोस्तों और कनेक्शन मजबूत हो जाता है। दोस्तों अब हमने 2 वायर ले लिए हैं, जिसमें फेस वाला तार जो हमने बताया था वीडियो में आपको पहले ही स्विच में लगाना पड़ेगा, और एक वायर हमने बताया दोस्तों 5 पिन सॉकेट की ये न्यूट्रल वाला तार है तो इसमें एक वायर इसमें लगा देंगे। तो दोस्तों हमने 3 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कर दिया है। अब हमारे द्वारा दिया हुआ कनेक्शन सही है या नहीं इसको हम चेक करने के लिए टेस्टिंग से चेक करके बताते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा किए हुए कनेक्शन सही है या नहीं। तो दोस्तों टेस्टिंग चेक करने के लिए पहले इन दोनों वायरों को एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग से इसे चेक करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कनेक्शन सही है या नहीं।
तो देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा किए हुए कनेक्शन बिल्कुल सही है, यह भी हमने आपको चेक करके बता दिया दोस्तों। ऐसे ही हम तीनों 5 पिन सॉकेट में टेस्टिंग लगा के चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन सही हुआ या नहीं। तो देखो दोस्तों, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं फेस का तार चालू हो जाता है, जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो फेस का वायर चला जाता है। ऐसे तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट को चालू करके आपको बताते हैं दोस्तों, मतलब कि हमारे द्वारा किया हुआ कनेक्शन बिल्कुल सही है, एकदम सटीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई नई नई वीडियो आपके सामने आती रहें और आप अच्छे से कनेक्शन सीख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।